जैसा कि हम जानते हैं कि फरवरी महीने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और वास्तु के अनुसार हर दिन ग्रहों का बदलाव अलग अलग राशियों में होता रहा है। बता दें, आज यानी 23 फरवरी से शुक्र का मेष राशि में प्रवेश होने जा रहा है। इस बदलाव से तीन राशियों की किस्मत खुलने वाली है और वास्तु के अनुसार हर महीना अलग अलग राशि वाले लोगों के दिन अच्छे आ जाते हैं। तो आज हम आपको उन तीन राशियों के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर इस सप्ताह माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और खूब धन बरसेगा। इसी के साथ उनके सभी रुके हुए कार्य भी बन जाएंगे। तो आइए बताते हैं आपको उन तीन राशियों के बारे में। सबसे पहले राशि है मिथुन राशि। शुक्र का मेष राशि में प्रवेश होने से मिथुन राशि वाले लोगों को काफी फायदा होने वाला है और ग्रह का ये बदलाव मिथुन राशि के जातकों को काफी लाभकारी भी सिद्ध होने वाला है। इस सप्ताह में आपको संपत्ति के बड़े लाभ होंगे और आपकी समझ और भाग्य उन्नति के प्रयास भी सफल होंगे। व्यापार में ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जो आपके लिए हानिकारक हो। बता दें कि इस सप्ताह आपके घर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी अच्छा समय होने वाला है। रुके हुए काम भी पूरे होने की पूरी संभावना है। कर्क राशि। शुक्र ग्रह के इस बदलाव से कर्क राशि वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। अब फरवरी के साथ मचा का पूरा महीना आपके लिए खुशियां आ रहा है। बता दें कि सप्ताह आपके आर्थिक कार्य सुखपूर्वक संपन्न होंगे, नए दोस्त बनेंगे और खास लोगों से मुलाकात होने के भी योग बन रहे हैं। नकारात्मक विचारों से बचे रहें, उससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। माता लक्ष्मी की पूजा करते रहें, धन की कमी कभी नहीं होगी। मकर राशि। शुक्र ग्रह के मेष राशि में प्रवेश करने से मकर राशि के जातकों की किस्मत खुलने वाली है। बता दें, जल्द ही आपको प्रॉपर्टी को लेकर योग बन रहा है। अगर प्रॉपर्टी खरीदने का मन बन रहा है तो खरीद ले, फायदे का सौदा सिद्ध होगा। विदेशी यात्रा के योग बन रहे हैं और अब तक आपके साथ जो भी बुरा हो रहा था अब उससे निजात मिलेगा। धन को लेकर अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।